पिक्चर चालू करो बे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों पीएम मोदी का कैमरा प्रेम वैसे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सैकड़ों ऐसी वायरल तस्वीरें हैं जिनसे पीएम मोदी का कैमरा प्रेम साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो खूब वायरल है जिसमें वो स्वैग वाली एंट्री देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर भी लोग अब उन्हें कैमरा जीवी बताते हुए ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो पीएम मोदी के आवास का है जब वो लाल किले पर ध्वजारोहण करने के लिए रवाना हो रहे थे। इसी बीच पीएम मोदी को अपना कैमरा प्रेम याद आ गया और जाते जाते देखिए किस तरह पीएम मोदी फोटो सेशन कराने में बिजी हो गए। दोस्तों इस वायरल वीडियो के बाद से ही तमाम ट्विटर यूजर्स और विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आप इस वायरल वीडियो में पीएम मोदी के स्वैग और वॉक को कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी वायरल वीडियो पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, कैमरा जीवी यूं ही नहीं बोला जाता। एक और यूजर लिखते हैं, गजब नौटंकी, इसकी इसी सनक पर जाहिल अनबख्त फिदा है। दोस्तों एक यूजर ने कहा, मेहरबान कतरदान साहेबान, छूटा दिराज कैमरा जीवी फोटो जीवी, फेकू झासाराम पधार रहे हैं, कृपया कैमरे के दायरे से दूर रहे। एक और यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, एक बात है हाथ नहीं हिलाया आज। इसी पर एक यूजर का कहना था, जिस प्रधानमंत्री के देश में महीनों से लोग हिंसा बलात्कार निर्वासन के शिकार हों उसका ये ढोंगी फोटो शूट देखिए। खैर जनप्रतिनिधि कानून मेंटल हेल्थ की बात करता है जो इस आदमी की तो ठीक नहीं है, इसे काउंसलिंग चाहिए और कानूनन इसकी संसद सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। आप चाहे तो निष्पक्ष जांच करवा लें। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक देश का प्रधानमंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। एक तरफ जहां देश का एक हिस्सा मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, उसी दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां के लोगों के हालात जानने और सुध-बुध लेने के बजाय फोटोशूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देश के लोगों के लिए बेहद ही शर्म की बात है।